आज नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। 93 साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि रेल बजट आम बजट के साथ पेश किया जा रहा है। और रेल बजट में जो अब खास बातें ये हैं कि खास यह क्या है कि कोई ऐलान नहीं किया गया है अभी तक कोई नई ट्रेन का, और इसके साथ ही किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है और कम भी नहीं किया गया है। खैर, कोई किराया इससे राहत नहीं मिली है लोगों को, कम हो जाता तो थोड़ी सी राहत मिल जाती। लेकिन क्या रही आम बजट की बातें, ये आपको मैं बताता हूँ कि क्या खास कुछ बातें हैं। उसमें से पहला आपको बताता हूँ कि PPP मॉडल पर Tier 2 शहरों के लिए एयरपोर्ट बनेंगे, साथ ही नई मेट्रो रेल पॉलिसी बनेगी, IRCTC में कॉम्पिटेटिव टिकट बुकिंग होगी। इसके अलावा जो है वो IRCTC में जो सर्विस चार्ज लगता था बुकिंग पर, टिकट बुकिंग पर, वो ख़त्म किया जाएगा। साथ ही सभी कोच में बायो टॉयलेट बनेंगे। इसके अलावा जो है वो कोच मित्र सुविधा लॉन्च की जाएगी और 350 किलोमीटर रेल लाइन डाली जाएगी। इसके साथ ही 5 साल के लिए रेल संरक्षा कोष हेतु 1,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सी घोषणाएं की गई हैं रेल बजट में। और आम बजट की अगर बात करें कि श्रम सुधार के लिए काम जारी है, वित्त मंत्री ने ये बोला है। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए हेल्थ स्मार्ट कार्ड का प्रावधान भी किया गया है। LIC की ओर से हेल्थ कार्ड लॉन्च किया जाएगा, आपकी स्वास्थ्य के लिए बीमा के लिए आपका हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो रेल विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। यह हम बात कर रहे हैं रेल बजट की। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ है बजट में। झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 2 नए एम्स बनाए जाएंगे झारखंड और गुजरात में। इसके अलावा महिला विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा का दर्जा दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो बजट है वो इर्द गिर्द डीमोनेटाइजेशन के घूम रहा है, और इसमें रोजगार के लिए, किसानों के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही कैसे डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ा जाए, इस पर भी ज़्यादा फोकस किया गया है बजट में। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ और है। महिलाओं और बाल विकास के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। आंगनवाड़ी स्कीम को 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर के लिए 5 जोन बनाए जाएंगे। सालाना लर्निंग प्रोग्राम और इनोवेशन पर फोकस बढ़ाने से स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन कंपनियों को इससे फ़ायदा होगा। और इसके साथ ही अगर अब हम आ जाते हैं कि बिजनेस की ओर, तो देखते हैं कि लेदर फुटवेयर सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा संकल्प योजना को 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। और देखते हैं क्या कुछ है इसमें बजट में। इसके अलावा है कौशल केंद्र 600 ज़िलों में बनाए जाएंगे। अब यहाँ रोज़गार की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रोज़गार परक बजट बताया जा रहा है, रोज़गार को देखा जा रहा है, तो ये सारी घोषणाएँ जो हैं उसी के पर केंद्रित हैं। कि इसमें आगे है कि ग्रामीण आवंटन में रिकॉर्ड 88% की बढ़ोतरी हुई है। ये कहना है वित्त मंत्री का कि जो ग्रामीण आवंटन में रिकॉर्ड 28% की बढ़ोतरी हुई है। सालाना नर्लिंग प्रोग्राम इनोवेशन के लिए फंड भी दिया गया है। और अब आगे क्या है कि ग्रामीण आवास के लिए 23,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सरकार जो है करेगी इसका ग्रामीण विकास के लिए। साथ ही वित्त वर्ष 2018 में ग्रामीण विकास के लिए कुल 1.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इसमें और आगे देखते हैं तो ऐसे ही तमाम योजनाएं जो हैं, योजनाओं के लिए पैसा दिया है सरकार ने। ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि जो निचला तबका है, किसान हैं, गरीब हैं, उनके लिए ज़्यादा कुछ दिखाया जा रहा है इसमें। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत रोज़ाना 133 किलोमीटर सड़क बनाए जाने का लक्ष्य है। साथ ही वित्त मंत्री 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायत गरीबी से, माफ़ कीजिएगा कि 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायत गरीबी से मुक्त होंगे, ये कहना है वित्त मंत्री का। तो पूरा फोकस जो है, एक तरीके से देखा जाए तो इसको चुनावी लक्ष्य को भी देखा जा सकता है कि गरीब तबके को फोकस किया जा रहा है इसमें। और मनरेगा आवंटन बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा, ये वित्त मंत्री ने ऐलान किया है। तो आप देख सकते हैं कि बजट भले ही इनडायरेक्टली रूप से चुनाव को पूरी तरीके से फोकस कर रहा है, पूरा अटैक कर रहा है बजट, निचले मध्यम वर्गी से नीचे भी लोगों को पूरा उसमें, उनके लिए भी तक सारी योजनाएँ आ रही हैं। और गरीबों के लिए सुनिश्चित रोजगार योजना लाएंगे, वित्त मंत्री का ये भी कहना है। साथ ही मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 55% कर दी गई की जाएगी, इसके लिए जैसा प्रावधान दिया गया है। इसके अलावा 1 करोड़ परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकालेंगे, ये वित्त मंत्री का कहना है कि 1 करोड़ परिवार के गरीबों को बाहर करेंगे। साथ ही डेयरी विकास के लिए ऑपरेशन फ्लड को बढ़ावा दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, 3 साल में नाबार्ड को 1900 करोड़ रुपए देंगे। और साइल टेस्टिंग के लिए मिनी लैब बनाएंगे।
और साथ ही इसके फसल बीमा योजना कवरेज 30% से बढ़ाकर 40% किया जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि किसानों को फोकस करके, गरीब तबके को फोकस करके ये बजट पेश किया जा रहा है। सारी योजनाएं कुछ वैसी ही हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नाबार्ड को कोर बैंकिंग सपोर्ट देंगे। इसके अलावा जो है रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपये एग्री क्रेडिट प्रावधान है। तो ये एक बार फिर बात आ रही है यहाँ पर कि किसानों के लिए अभी तक जितनी भी योजनाएं बताई मैंने आपको, वो किसानों को फोकस करके, तो पूरा पूरा इनडायरेक्टली आप देखें तो ये चुनावी एक बजट तरीके से पेश हो रहा है। साथ ही और खबर जो आ रही है वो आयकर में बढ़ोतरी, नोटबंदी का असर पड़ा है। नोटबंदी का असर को बार बार उन्होंने कई बार उठाया है यहाँ पर लोकसभा में वित्त मंत्री ने, और ये पूरा जो बजट है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। आगे देखते हैं और क्या है। तो युवाओं को रोजगार देने पर फोकस किया है यहाँ पर वित्त मंत्री ने। उसके तहत सस्ते घर मुहैया कराए जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करने का लक्ष्य है। समय से पहले बजट पेश करने का उनका, जिस दिन बजट पेश होना था उन्होंने उस दिन बजट पेश किया, और समय से पहले बजट पेश करने के बारे में भी उन्होंने कहा है कि दोनों बजट एक साथ पेश करना ऐतिहासिक है, दोनों बजट एक साथ पेश किए गए हैं, उनको इस बात का उनको बहुत गर्व सा महसूस हो रहा है। साथ ही ग्रामीण इंफ्रा पर बजट में फोकस किया है वित्त मंत्री ने पूरी तरीके से, जिसके तहत नाबार्ड को, मनरेगा को, ये सारा कुछ दिया गया है। इसके अलावा जो है आपको वित्त मंत्री की और बातें बताते हैं कि वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा इस बजट में। वित्त मंत्री का कहना है कि महंगाई दर 2 से 6% के दायरे में रहेगी। इसके अलावा युवाओं पर बजट का पूरा फोकस है। वित्त मंत्री का कहना है कि हमने युवाओं का पूरा ध्यान रखा है इस बजट में। साथ ही ग्लोबल माहौल में अनिश्चितता बनी हुई है, इसको देखते हुए धीमी पड़ी इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा रहा है, और किसी भी तरीके से जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। तो ये तमाम कुछ ऐलान किए हैं यहाँ पर वित्त मंत्री ने। ऐसी बजट से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए और भी क्या कुछ है, देखते रहिए डीबी लाइव।